आप सबका स्वागत है प्रोडिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन, ये है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर साइट, ठीक है ना दोस्तों। एंड मैंने अभी तक $4.50 अर्न किया है, ठीक है ना, तो कम ही सही लेकिन मैंने अर्न तो किया है ना। तो ये आप भी कर सकते हैं दोस्तों, फ़ोटो एंड वीडियो को सेल करके। कोई भी फ़ोटो हो या फिर वीडियो हो, आप कलेक्शन पे जाइए। ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक एक कलेक्शन सेट करके रखा है, नेचर, सनसेट, क्रिएटिव पिक्चर, बर्ड्स, मतलब यहाँ पे और वीडियो भी है। ये देखिए वीडियो, नेचर वीडियो, फुल HD, वेडिंग डेकोरेशन, जो भी मैं फ़ोटोज़ या फिर वीडियोस लेता हूँ मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कैसे दोस्तों आपको फ़ोटो को रिटच करना है, कैसे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इमेज पोर्टफोलियो। तो दोस्तों ये मेरा इमेज पोर्टफोलियो है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कौन सा पिक्चर यहाँ पे सेल किया है, मतलब अपलोड किया है। अभी तक यहाँ से बहुत सारा पिक्चर डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, मैंने रिसेंटली ये वाला पिक्चर जो है अपलोड किया था, आप देख सकते हैं ये बीस का नेस्ट है, ये बहुत ही खतरनाक होता है। ये आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों ऐसे पिक्चर लेके मैंने यहाँ पे इसको अपलोड किया है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक सनसेट वाला क्लिप है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एंड ये देखिए दोस्तों, बहुत ही कमाल का सनसेट वाला एक फ़ोटो था जो मैंने अपलोड किया है। एंड किसी को भी अगर पसंद है तो वो ख़रीद सकता है दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों फ़ोटो को रिटच कैसे करना है, कैसे कलर ग्रेडिंग करना है वीडियोस को, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो एंड उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा दूंगा कैसे दोस्तों इसको अपलोड करना है। अपलोड करने का एक तरीका होता है, ये देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था, ये देखिए, ये बहुत ही खतरनाक बीज होता है, ये अगर काट ले तो मतलब जान भी जा सकता है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। तो इसको भी दोस्तों मैंने अपलोड किया था। तो ठीक है, मैं दोस्तों अभी आपको दिखा दूंगा कैसे दोस्तों इसका कलर ग्रेडिंग करना है ठीक से, कैसे कॉन्ट्रास्ट लुक क्रिएट करना है। मतलब फ़ोटो में या फिर वीडियो में क्या होता है, जो रॉ फुटेज हमें मिलता है ना दोस्तों, वो भी आप बेच सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक रॉ फुटेज है, मैंने इसको कहीं पर भी कलर ग्रेडिंग बिल्कुल नहीं किया, ठीक है ना, कुछ भी कॉन्ट्रास्ट कलर करेक्शन कुछ नहीं किया, लेकिन जस्ट मैंने कैमरा से लिया हुआ रॉ फुटेज को ही यहाँ पे मैंने सेल कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं या फिर आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं। सब तरह का कलर ग्रेडिंग या फिर रॉ फुटेज सब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप कैसे सेल करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आपको ही आपको दिखा दूंगा फोटो एंड वीडियो को कैसे ग्रेडिंग करना है, उसके बाद मैं दोस्तों आपको दिखा दूंगा कैसे यहाँ पर उसको अपलोड करना है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वाला पिक्चर, ये एक बर्ड है, किंगफिशर बर्ड, ठीक है ना। तो इसका ही दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा कलर करेक्शन करके इसे भी बेच दूंगा शटरस्टॉक पे। तो ठीक है, पहले एक पहले एक लेयर लेते हैं दोस्तों। एंड थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ठीक करना है कोई भी, ये देखिए दोस्तों बहुत सारा यहाँ पे मिट्टी लगा है, तो इसको थोड़ा सा जे प्रेस करते हैं। एंड यहाँ से दोस्तों जे मतलब स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल्स, ठीक है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको जो स्पॉट है यहाँ से मिटा देंगे, ये देखिए दोस्तों स्पॉट मिट गया, अभी थोड़ा सा और मिटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। मतलब जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना ही अच्छा, मतलब जितना पिक्चर आपका अच्छा क्वालिटी का होगा, अच्छा दिखने में होगा, सेल होने का चांस उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है ना। जस्ट दोस्तों मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा ही कर रहा हूँ, मैं पूरा पिक्चर कम्प्लीट अभी दिखाने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अभी और एक लेयर लेते हैं दोस्तों एंड थोड़ा सा कलर करेक्शन करते कैमरा और फिल्टर पे चल के, ठीक है ना। तो ये बेसिक पे चलते हैं एंड थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं यहाँ पे, हाईलाइट को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा एंड शेडो को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे शेडो में जो फेदर है वो ठीक से दिख नहीं रहा। तो यहाँ से दोस्तों इसको शेडो जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, वाइट मतलब ये जो लाइट है इसको ठीक कर दूंगा, थोड़ा सा क्लियरिटी मतलब ब्लरीनेस ना रहे, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियरिटी रहे, क्लियर हो जाए पिक्चर। दोस्तों मैं फोटोशॉप में कभी भी सैचुरेशन को ऐड नहीं करता, क्योंकि ये जो कलर का बूस्टनेस है ये बहुत ही बढ़ा देता है, ये बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। अगर आपने डाविंची रिजॉल्व ये यूज़ किया है तो वहाँ पे भी कलर बूस्ट है, सेम यहाँ पे सैचुरेशन है। तो मैं सैचुरेशन को बिल्कुल यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ वाइब्रेंस। वाइब्रेंस से क्या है, ये कलर बूस्ट नहीं है, ये पर्टिकुलर कलर एरिया पे थोड़ा सा कलर को ही ऐड करता है, मतलब ये कलर बूस्ट नहीं करता, ठीक है ना। तो मुझे बूस्ट नहीं चाहिए। अभी दोस्तों कलर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है अभी, ठीक है ना, एक और लेयर लेंगे
एंड यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लाइट नहीं है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल एंड एल दबाऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सा लाइट को ऐड करना चाहूँगा ताकि मुझे फेदर जो है ना वो क्लियरली दिख जाए। ये मैंने थोड़ा सा लाइट को ऐड कर दिया, ये देखिए थोड़ा सा हाईलाइट। ये एक्चुअली तीनों तरह से काम करता है लाइट में, ये था शेडो, ये मिड टोन एंड ये हाईलाइट, ठीक है ना। तो ये परफेक्ट है, ये देखिए प्रीव्यू बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों लाइट आ गया, अभी क्या करूँगा, ओके अभी दोस्तों ऑल्ट दबा के इसका एक मास्क बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इन्वर्ट करते हैं एंड बी दबा के सॉफ्ट राउंड ब्रश को सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ से फ्लो को मैं 70-80% रखूँगा एंड यहाँ से दोस्तों जस्ट फेदर वाले इस ऑप्शन पे मैं थोड़ा सा लाइट को ऐड कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों बिफोर, ये बिफोर क्या था, देखिए दोस्तों एंड आफ्टर, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना। पर्टिकुलर इस जगह पे लाइट बहुत ही कम था तो मैंने लाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है ना। अभी और कुछ नहीं करना, जस्ट इस पिक्चर को एक्सपोर्ट कर देना है, सेव नहीं दोस्तों, एक्सपोर्ट, ठीक है ना। एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ये दोस्तों अगर PNG पे सेट है तो JPG कर दीजिए, और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, क्वालिटी 100% रहेगा, जस्ट सेव कर देना है। कहाँ पे सेव करना है, जस्ट मान लीजिए यहाँ पे मैं सेव कर दूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया ऑलरेडी। तो दोस्तों फोटो का तो कलर कलेक्शन मैंने दिखा दिया, अभी मैं दिखाऊँगा दोस्तों DaVinci Resolve में वीडियो का कलर कलेक्शन, ठीक है ना। तो ये एक फ्लावर वाला क्लिप है, तो इस क्लिप के ऊपर मैं भी आपको दिखाऊँगा इसको कैसे कलर करेक्शन करना है। तो पहले इसको थोड़ा सा मैं सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा पहले से एंड लास्ट वाले पोर्शन को मैं कट दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। एंड ऑल्ट दबा के दोस्तों सिर्फ ऑडियो को सिलेक्ट कर दूंगा ऐसे, एंड राइट क्लिक एंड डिलीट सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो ऑडियो नहीं चाहिए, पहले दोस्तों स्कोप्स को देखना पड़ेगा, स्कोप्स कैसा है। तो स्कोप्स ठीक है, अभी एक नोट लेते हैं यहाँ पे, कलर व्हील्स पे चलते हैं एंड शेडो को मैं थोड़ा नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे, एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा यहाँ पे, एंड जो मिड टोन है इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे लाइट चाहिए, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर दूंगा यहाँ पे, बहुत बढ़िया। एंड मिड टोन को और मैं बढ़ा दूंगा यहाँ पे, ठीक है, लाइट एकदम परफेक्ट है, लाइट मुझे और नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाईलाइट को थोड़ा सा नीचे लेके चलूँगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अभी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं सैचुरेशन को ऐड कर दूंगा, परफेक्ट 60% सैचुरेशन मतलब परफेक्ट है। एंड फिर से एक नोट लूँगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि पीछे बहुत ग्रीनरी है, ग्रीन कलर बहुत है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ग्रीन कलर को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगा। तो कैसे दोस्तों उसको, यहाँ पे चलिए कहाँ पे कलर पे प्रीसेट एंड प्रीसेट पे ग्रीन, तो ये पर्टिकुलर जो ग्रीन वाला एरिया है यही सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा और सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला पार्ट देखिए सिर्फ ग्रीन वाला कलर ही सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। एंड यहाँ से दोस्तों प्री फिल्टर, क्लीन ब्लैक, क्लीन वाइट, ब्लर करना बहुत ही ज़रूरी है, मैं ब्लर कर दूंगा। एंड यहाँ से डी नॉइस, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये जो पीछे वाला जो ग्रीन एरिया सिलेक्ट हुआ ये मुझे चाहिए था, ये रहा बिफोर, येलो बहुत ज़्यादा था एंड आफ्टर, मतलब कलर ग्रेडिंग करके भी आप बेच सकते हैं, नहीं करके भी बेच सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं थोड़ा सा कलर को ठीक करके ही बेचूंगा ताकि दिखने में ये अच्छा लगे, अच्छा लगेगा तो ज़्यादा अच्छा, मतलब चांस है कि सेल होगा ही, ठीक है ना। तो बस इसको और कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, जस्ट मैं देख लूँगा, ये तो सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग करना नहीं है, जस्ट कलर करेक्शन करना है ताकि कलर को ठीक लगे देखने में, ठीक है ना। एंड जस्ट इसको मैं डिलीवरी दे दूंगा अभी। यहाँ से दोस्तों नाम दे देते हैं फ्लावर, ओके, यहाँ पे ब्राउज, यहाँ पे सेव कर देते हैं, क्वालिटी MP4 एंड यहाँ से दोस्तों रेस्ट्रिक्शन, क्वालिटी रेस्ट्रिक्ट टू, ये फुल HD वाला क्वालिटी है, तो ये फुल HD वाला क्लिप है तो इसके लिए यहाँ पे होगा 40,000 एंड 4K होता तो 80,000 होता, ठीक है ना। एंड यहाँ से ये तीनों बॉक्स को चेक करना होगा एंड फिर से एक बार देख लेता हूँ ठीक है कि नहीं, हाँ MP4 सब ठीक है, सब ठीक है। एंड एड टू रेंडर, ओके, अब रेंडर दे दूँगा यहाँ पे दोस्तों, तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। अभी ये देखिए दोस्तों, ये वाला पिक्चर जो हमने फोटोशॉप पे इसका कलर ग्रेडिंग किया है, एंड उसके बाद
ये रहा वो क्लिप, ठीक है ना, जिसका मैंने डाविंची रिजॉल्व में अभी कलर ग्रेडिंग किया है, ठीक है ना। तो ये दोनों को ही मैं अभी शटरस्टॉक में बेच दूंगा, कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा गूगल एंड सीधा यहाँ से चलता दोस्तों submit.shutterstock.com, ठीक है ना, यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोस्तों राइट साइड ऊपर आपका मिलेगा यहाँ पे ऐड अपलोड मीडिया, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल फाइल जस्ट क्लिक करना है एक बार, एंड जहाँ पे आपका फाइल है जस्ट सिलेक्ट करना है ये वाला वीडियो क्लिप एंड ये वाला बर्ड, ठीक है ना। दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड ओके। तो ये देखिए दोस्तों अपलोड हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अपलोड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट करते ही आपके सामने आ गया वो जो किंग फिशर वाला बर्ड है, जस्ट इसको क्या करना है सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो राइट साइड पे यहाँ पे एक नया विंडो ओपन हो जाएगा, ये बहुत सारा कीवर्ड चाहिए होगा, जस्ट यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक करते ही सब कीवर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखना है। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है दोस्तों, मैंने पहले ही शटरस्टॉक के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपने अगर नहीं देखा तो देख लीजिए आई बटन पे चल के, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली ये क्लिप क्या है, मतलब ये फ़ोटो किसके ऊपर है, क्या है क्लिप के ऊपर, फ़ोटो के ऊपर, तो वही लिखना है यहाँ पे, वही डिस्क्रिप्शन है इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो यही मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया एंड कैटेगोरी एनिमल वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे भी एनिमल वाइल्ड लाइफ। एंड यहाँ पे आप अपना जो लोकेशन है वो देख सकते हैं, नहीं देख सकते कोई बात नहीं। यहाँ पे ऑलरेडी ये सिलेक्ट हो गया है जो आप देना चाहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं किंग फिशर बर्ड। ये देखिए किंग फिशर लिखा तो किंग फिशर बर्ड आ गया ऑटोमेटिक। जस्ट अभी क्या करना है, यहाँ पे जो सबमिट है यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये देखिए दोस्तों ये पेंडिंग पे चला गया, मतलब वो अभी रिव्यू करेगा, रिव्यू करके देखेगा कि पिक्चर ठीक है कि नहीं, ठीक है ठीक होगा तो अप्रूव करेगा, ठीक नहीं होगा तो डिसअप्रूव कर देगा, ठीक है ना। एंड उसके बाद दोस्तों इमेज के बाद यहाँ पे आएगा वीडियो। ये देखिए दोस्तों सबमिट में चलना पड़ेगा एंड ये वीडियो ये वाला सिलेक्ट कीजिए एंड बहुत सारा कीवर्ड आ जाएगा, आप अपने हिसाब से भी कीवर्ड यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे रेड फ्लावर फॉरेस्ट, ओके। एंड यहाँ पे मैं इसको दे दूँगा नेचर के ऊपर, ठीक है ना। एंड यहाँ पे भी नेचर के ऊपर मैं दे दूँगा कैटेगरी जो होगा, लोकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सेट है, जस्ट सबमिट में क्लिक करना है यहाँ से। तो ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक ये भी पेंडिंग पे चला गया वीडियो वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको अपलोड करना है एंड ऐसे ही मैं यहाँ पे फोटो एंड वीडियोस को अपलोड करता हूँ एंड उसको बेचता हूँ। आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो मेरे लिंक से जाइए दोस्तों, वहाँ से आप जो भी आपका मर्ज़ी है आप यहाँ पर खरीद सकते हैं एंड थोड़ा सा मुझे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।